हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन गुप्ता जी की बेटी के वीडियो में, मीन्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअल में ना आज मैं एक शर्ट बना रही हूँ, लेडीज शर्ट है, तो गुप्ता जी के बेटे दूर रहो मजाक कर रही थी। तो ये इसमें मतलब कि जो मैं बनाई हूँ, पहले आप ऐसा कीजिए, देख लीजिए कि मैंने क्या बनाया है, तब के लिए ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये शर्ट है, एक्चुअल में ये एक मैंने साड़ी का चुन्नी वाली साड़ी का सूट बनाया था, तो उसमें फैब्रिक बचा हुआ था, तो मुझे उसका, इस वक्त ट्रेंड बहुत चला है ना जयपुरी चुन्नी में के बंधुआ में की शर्ट पहनने का, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बनाऊँ। तो इसका जो स्लीव था उसका फैब्रिक नहीं था, मैं हॉनेस्टली बोल रही हूँ, बट मुझे, मेरे पास इसका जो चिकन वर्क का, मेरे पास सेम कलर का, मतलब मिलता जुलता फैब्रिक था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कॉलर और स्लीव बना के इसको थोड़ा सा यूनिक किया जाए। तो आप देख सकते हो ये कोई हैंडमेड नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है रेडीमेड है, और बिल्कुल जयपुरी लग रही है चुन्नी वाली, जो बंधुआ वाला रखता है, मतलब बंधुआ मीन्स जो बांधा जाता है, वो फैब्रिक लग रहा है। तो ये कॉटन नहीं, मैंने मीशो से साड़ी खरीदी थी, तो ये बस इतना फैब्रिक बचा हुआ था। तो मैंने फर्स्टली क्या किया था, सबसे पहले नीचे फोल्ड करके इसको रख दिया था ताकि ज़्यादा ताम झाम ना हो। और ये न्यू साड़ी थी, न्यू साड़ी का ही मैंने इसका सूट बनाया हुआ था, बहुत प्यारा सूट बनाया था, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मतलब कि जो आगे का मतलब गला निकाला, फिर यहाँ पे स्लीव के लिए मैंने निकाला, और यहाँ पे राउंड शेप किया। तो स्लीव के लिए मैंने 4 इंच निकाला, और शोल्डर मैंने 5 इंच निकाला था, और फिर ये जो कॉलर के लिए बैक गला है वहाँ पे मैंने 1/2 इंच ही निकाला है, क्योंकि वो 1/2 इंच ही होता है। और यहाँ पर आगे गला यहाँ पर मैंने 3.5 इंच किया हुआ, फिर 3.5 इंच के बाद या 3 इंच, जैसा भी आपका बॉडी हो, मेरा 3 इंच में परफेक्ट होता है। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी हैं तो 3.5 इंच कीजिएगा, वो किया। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो साइज है बॉडी का वो मैंने नापा, तो आपका जितना भी मतलब उसको चौथाई, अगर 8 आता है तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा लिया कीजिए उसको, फैब्रिक को सिलने के लिए, एक्स्ट्रा कपड़ा करने के लिए। तो यहाँ पर जितना भी फैब्रिक था ना, मेरा एकदम परफेक्ट जा रहा था, कम ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने बनाया भी था, और लकली इतना बचा ही था, ऐसा नहीं था कि मैंने इसके लिए इस ऐसे निकाला था, नहीं, वो बच गया था। तो मेरे माइंड में तुरंत आया था क्यों ना मैं इसका एक शर्ट बनाऊं, क्योंकि मुझे इस तरीके का शर्ट बहुत प्यारा लगता है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसको कट करके ये निकाल दिया, शोल्डर का ये मैंने अलग अलग पार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ये वाला जो आगे वाला पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे, ये जो गले का मैंने कॉलर वाला बनाया था आप देखेंगे, तो उसको ये तिरछा काट करके, कट करके मैंने यहाँ पे ये बीच से कट कर दिया है काज बटन लगाने के लिए। और अगर आपको फुल नहीं चाहिए था, मिस पूरा काज बटन नहीं चाहिए, तो आप हाफ कर सकते हो, लेकिन शर्ट में मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा है, अच्छा लगा। और ये जो शोल्डर मतलब कि जो काटा जाता है थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा, उसको मैंने काटा, तो ये हमारा पार्ट हो गया पीछे का और ये आगे का। तो यहाँ पे ये मैं फैब्रिक बता रही हूँ कि जो मेरे पास था स्लीव के लिए, तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा था, मुझे बहुत परफेक्ट लगा था, यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये आया हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं स्लीव के लिए कट कर रही हूँ, उसको राउंड शेप में दे रही हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने देखिए कट कर रही हूँ इसको, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं नाप लगा रही हूँ, तो एक्चुअल में ये फैब्रिक मतलब ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा लूज स्लीव बनाया जाए। तो आगे का मेरा लूज साइज मतलब स्लीव है, तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था। तो मुझे, अगर आपके पास भी ऐसा भी कोई है तो उसको मैचिंग करके आप इसको थोड़ा यूनिक बना सकते हो। अगर मैं इसको बताई ना होती कि हाँ ये इस तरीके से या सिला हुआ है या फिर इतना फैब्रिक बचा है, तो आप माइंड में नहीं कर सकते थे कि हाँ ये रीयूज है। आप सोचो अगर मैं यही कह देती कि इतना फैब्रिक मैंने लिया और ये मैंने स्लीव के लिए अलग से ये कढ़ाई वाली मतलब चिकन वाली फैब्रिक लिया, तो आप सोचते कि हाँ ऐसा ही मतलब कि इसको मैंने डिज़ाइन के लिए लिया, नहीं, ये बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको थोड़ा सा यूनिक करते। अब ये एक्चुअल में मैंने इसमें इनर लगाया हुआ है, क्योंकि शर्ट के लिए सही नहीं था, तो जो मैंने सूट सिला था उसमें भी इनर मैंने लगाया था। तो ये इस तरीके से मैंने पहले क्या किया, रफली स्टिच कर लिया था,
आप चाहे तो पिन लगा सकते हैं, लेकिन ये मतलब अस्तर और इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने रफली स्टिच किया, ताकि पिन लगाने में भी बहुत बड़ा हो जाता है तो पिन बहुत बड़े में नहीं सही पड़ता है। और ये जो फैब्रिक बचा हुआ था यहाँ पे मैंने इसको जो काज बटन के लिए होता है वहाँ पे मैंने लगाने के लिए इसको लिया है। तो मैंने ये रफली स्टिच कर दिया था, तो उसको अलग से मशीन नहीं चलाया था डायरेक्टली। अब मैं इसमें जो काज बटन का पार्ट है वो ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैंने मेरे पास फैब्रिक जैसा कि मैंने बताया था कि बचा था, तो मैंने इसका जो स्लीव मैंने लगाया है वही मैंने काज बटन के लिए भी लगाया है, और वही स्लीव मैंने यहाँ पे कॉलर में भी यूज किया है। और थोड़ा सा जैसे बस मेरे पास बीच के पार्ट के लिए ही कपड़ा था, वैसे कॉलर और ये लग गया था इस कपड़े का, तो वो बहुत ही मैचिंग का लग रहा था, लग नहीं रहा था कि बचा हुआ का थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने जब इसको पहना था तो स्टेटस लगाया था तो सबने बहुत ज़्यादा तारीफ किया था, सबने मुझे उन्होंने उनको लगा था कि मैंने इसको ऑनलाइन बाई किया है, बट नहीं, आप भी ऐसा बना सकते हो, ये बहुत ही प्यारा था। और लिंक मैंने जो सूट का है मैं उसको अपलोड कर दूंगी, वीडियो अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैंने सूट किया था बट उसको एडिट किया कि नहीं वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बटन के लिए पट्टी बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको सिल रही हूँ। तो आपके पास भी अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको थोड़ा सा माइंड में लीजिए, उसको थोड़ा सा मैचिंग में कीजिए, वो मैच हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े का रंग 19-20 इसलिए लग रहा है बिकॉज कलर अलग अलग, मतलब फैब्रिक अलग है, ये थोड़ा सा रियॉन में है, वो थोड़ा सा सिल्क में है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज लग रहा है। बल्कि ही जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी भी सिल्क से हुआ है, आप देख सकते हो बीच बीच थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी वो मैचिंग कर रही थी। अब यहाँ पे मैं उसके लिए काज के लिए बना रही हूँ पट्टी, तो यहाँ पे काज के लिए पट्टी एक्स्ट्रा अलग से नहीं निकलती है, वो अंदर ही उसके अंदर रहती है। तो यहाँ पे मैंने बटन भी सेम मैचिंग का लगाया हुआ है, आप चाहे तो बहुत ही स्टाइलिश बटन लगा सकते हो, लेकिन हॉनेस्टी बोल रही हूँ कि मेरे साइड का अगर आप मांगोगे कि बटन दे दीजिए शर्ट में, लेडीज शर्ट के लिए, तो 30 रुपये का एक बटन मिलता है, उससे नीचे कम मिलता ही नहीं, तो मैंने बहुत ही मतलब सस्ते वाले लगा दिए थे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, महंगे लग रहे थे, तो मतलब मुझे बहुत ही जैसे इसमें मतलब अगर मैं उसको लेती तो जितना मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ उतना तो बटन ही का लग जाता, क्योंकि 5 से 6 बटन लगने ही हैं, तो इसलिए मैंने 30 रुपये वाले को स्किप किया और छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे बटन होते हैं उसको मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इसको मैं अंदर से अच्छे से फोल्ड करके इसको सिल रही हूँ। वैसे इस जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ कुछ दो वीडियो में कुछ मतलब कि सिमिलैरिटी होती है, कुछ अलग अलग होते हैं, तो ऐसा क्या पॉइंट है कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके आपने क्या नोटिस किया है। वैसे मेरी स्माइल से आप पता चल जाएगा आपको कि मैंने क्या मैं बोल रही हूँ, उसको आप देखिएगा कि इसमें इस वीडियो में आखिर क्या एक चीटिंग मैंने किया है। ठीक, ये मैंने मेरा पार्ट आगे का तैयार हो गया है और ये पीछे का पार्ट है। अब हम लोग शोल्डर ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली में ना मैं एक बनाऊंगी शर्ट जो स्लीवलेस रहेगा, क्योंकि स्लीवलेस शर्ट बहुत प्यारा लगता है, उसमें कलर थोड़ा चौड़ा रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। अब यहाँ पर मैं शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद जैसा कि मैं बताती हूँ कि मोस्टली मैं सिलाई करने के बाद ऊपर स्टिच चला देती हूँ जिसमें अच्छा लगता है, ये नहीं हर में चलाइए, नहीं जिसमें अच्छा लगे उसमें ज़रूर चलाया कीजिए कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैं जो बकरम होते हैं चिपकाने वाले वो मैं यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बकरम सीधा उल्टा होता है, नहीं तो प्रेस में लगा दीजिएगा तो मम्मी छड़ी लेके मारने लगेंगी। जो चिकनाहट होती है वो नीचे होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्लू रहता है, वो ग्लू हॉट होता है, मतलब जब इस्त्री हम लोग करते हैं उसके ऊपर, इस्त्री वाली नहीं मतलब प्रेस करते हैं, तब वो ग्लू पिघल के वो फैब्रिक पे चिपक जाता है, तो उस तरीके से हमें वो नीचे करना। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग करके निकाल दे रही हूँ, लेकिन हाँ आप प्लीज़ जो भी इसमें एक सीक्रेट है या फिर कह दीजिए कि मिस्टेक तो नहीं कर सकते, हाँ लेकिन एक सीक्रेट है, ऐसा क्या आपने नोटिस किया है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ना तो आप
जरूर उसको पकड़ लोगे कि हाँ इसमें आखिर मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा ये कॉलर तैयार हो गया है। इसके ऊपर आप चाहे पहले मशीन चला लीजिए, वैसे बाद में मशीन चलाना बेटर होता है क्योंकि वो पूरे अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। और ये कॉलर हम लोग पहले क्या करते हैं, उल्टे की तरफ से लगाना स्टार्ट करते हैं, सीधे की तरफ से। मतलब ये देखिए मैंने पहले उल्टे की तरफ फिटिंग की है, मतलब फिनिश उल्टे की तरफ की है, देखिए, ताकि ये जो होता है ना इधर साइड बन जाता है। फिर जब अगर हम उधर से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का ध्यान उधर रहता है, मीन्स इधर हम लोग का नज़र रहता है, तो वो कॉलर सीधे साइड में थोड़ा सा ऊपर नीचे मशीन हो जाता है तो वो गंदा लगता है। तो इसलिए पहले हम लोग उल्टा तैयार कर लेंगे और फिर ये ऊपर की साइड में हम लोग इसको अच्छे से फिनिश दे के ये इस तरीके से कॉलर हम लोग बैठा देंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। अगर आप सोचते हो कि बकरम नहीं है, आपको ऐसे ही बनाना है, तो आप बिना बकरम के भी बना सकते हो। बकरम का ये होता है कि हाथ बैठा रहता है, प्लस वो जब आप पहनते हो तो वो बहुत ही अच्छा कॉलर ऊपर टाइट रहता है, वो अच्छा लगता है। नहीं है तो बाकी तो आप ऐसे ही इसको बना सकते हो, कोई वो नहीं है। वैसे भी ये बकरम कुछ बहुत, अगर आप डेली वॉश कर रहे हो और बहुत अच्छा क्वालिटी का बकरम नहीं है तो वो लूज़ हो जाता है। मैं तो कतई अच्छा वाला बकरम यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे डेली यूज करना रहता है, तो इतने महंगे कहाँ से ले आऊँगी। अब ये यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो भी ये इस तरीके से हमने मेजरमेंट कर दिया कि जो बीच वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेंटर में ही रखना है, और यहाँ पे इस तरीके से सिल देना है ये इस तरीके से, और इधर वाले में भी इस तरीके से आपको सिलकर इसको फिनिश करना है। ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका आएगा। बीच में अगर सेंटर से सबसे पहले आपने उसको मार्क कर लिया तो स्लीव जब आप पहनोगे तो वो चुभती नहीं, तो एक साइड एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा रहेगा तो वो बीच का जो मेन पार्ट होता है वो खिसक जाता है, तो वो पहनने में थोड़ा चुभता है, अनकंफर्ट सा फील होता है। यहाँ पर मैंने रफली जो स्टिच किया था वो अभी खोला नहीं है, वो पूरा जब सिलाई हो जाती है, पूरी फिनिशिंग हो जाती है, तब उसके बाद मैं इसको स्टिच ही खोल देती हूँ। आप भी ध्यान करके उसको खोला कीजिए, नहीं तो वो ना वो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे मैं ऊपर भी इसको स्लीव के ऊपर मशीन एक चला दे रही हूँ। ये चलाओगे ना तो एकदम फिनिश रहता है, और साथ में कपड़े का थोड़ा सा फसकने वगैरह का जो भी होता है वो दिक्कतें होती है, क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है, थोड़ा सा इसमें इशू डर रहता है कि कहीं फसक ना जाए। तो इस तरीके से अगर आप चला लेते तो बहुत ही सही है। अगर आपके पास इंटरलॉक की सुविधा है, मीन्स आसपास अगर बहुत है तो आप इसको मशीन मतलब कि वहाँ पे जाके इसको करवा सकते हो इंटरलॉक। हमारा स्लीव लग के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम जो भी मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो भी नाप है, उसका मैं इसको फिनिश के अच्छे से इसको मार्क करके लगा रही हूँ। तो मैं अंदाजे से नहीं लगा रही हूँ, मैं कैमरे में दिख नहीं रहा है, लेकिन हल्का हल्का मैंने पहले लगाया हुआ था तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लगा रही हूँ। अब यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से सिल रही हूँ। तो दो मशीन तो कंपलसरी है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप पहले, या फिर अगर आपको ये लगता है कि नापने में दिक्कत हो जाती है, नापने के बाद थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो आप एक पहले मशीन बड़ी उसको स्टिच करके नाप लीजिएगा, मतलब मशीन से ही एक स्टिच चला के उसको नाप लीजिएगा। फिनिश होने के बाद अगर आपको फिटिंग आता है तो उसके बाद दो मशीन चला दीजिए। ये हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत 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 पसंद आया है, और उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ये आपको कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ यार, थोड़ा सा गुप्ता जी की बेटी को प्रमोट कर दो ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपनी फ्रेंड को जो जिसको सिलाई आती है ना उसको ये वीडियो करके थोड़ा सा बोलो, कह रहे यार तुम बना लोगी ये वो करके, अगर थोड़ा सा पानी भेजिए उसको, वो आपका फ्री में सिल देगी, कह रही मैं बना लूँगी ये वो, और आपका तैयार हो जाएगा। सच में बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स ने मेरे ऐसे ही काम कराती थी बहुत, तो मैं आपको टिप दे रही हूँ। तो फाइनली सच में मतलब हॉनेस्टी एंड सीरियसली, प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार कीजिएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, लोगों को दिखाइएगा। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सी कपड़े को बनाया।